प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आरई की नज़र हुआ। खूब हाथापाई होते रहे, मार कुटाई होती रही, आ गए एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे, लोटे लहराए जाते रहे। और उसके बाद फिर जब पंजाब असम्बली का इजलास मुनक़द हुआ और उसमें वोटिंग हुई तो हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। लेकिन अब जाहिर है इससे आगे मरहला है, वज़ीर आला तो बन गए, लेकिन क्या वो वज़ीर आला बरकरार रह सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की मदद से वो वज़ीर आला बने हैं, जिनके ऊपर अब शायद डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और वो डी सीट हो सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर डी सीट हो जाते हैं तो क्या हमजा शहबाज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकेंगे और वज़ीर आला बरकरार रह सकेंगे? ये अलग सवाल है। कुछ सवाल आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी उठाए, जो तशद्दुद के जद में आकर ज़ख्मी भी हो गए, उनका बाजू टूट गया और वो जब अपीयर हुए मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था और बाजू उन्होंने बांध रखा था। उन्होंने आज एक और नुक्ता भी उठाया, उन्होंने कहा कि जी ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जो पुलिस है वो असम्बली के अंदर आ गई हो, इसकी सज़ा आईजी को मिलेगी। इस पर कानून क्या कहता है? क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये पावर्स हैं कि वो पुलिस को अंदर बुला सकता है या नहीं है? इस पर भी हम कानूनी राय लेंगे। दूसरी तरफ कराची में तहरीक इंसाफ का बड़ा जलसा हो रहा है, बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैनेज किया है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे इस पर बात करेंगे। और दूसरा, राजा परवेज अर्शद साहब ने आज एक रूलिंग दी है, उन्होंने कहा कि जो स्पीकर ने उनसे पहले वाले स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो इस्तीफे मंजूर किए हैं उनको डी सील किया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसको देखूंगा कि ये कानूनी तौर पर मंजूर किए गए हैं या नहीं गए हैं कानूनी तौर पर। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे आज असेंबली के इजलास में, एमएनएज ने खड़े होकर कहा कि फर्दन सबने इस्तीफे पेश नहीं किए, उनकी अपनी राइटिंग नहीं है, उनका कॉन्सेंट लिया गया है या नहीं लिया गया, ये तमाम चीजें देखती होंगी। तो कानून इस पे क्या कहता है? एक दफा स्पीकर अगर डिप्टी स्पीकर ने अगर इस्तीफे मंजूर कर लिए तो वो हो गए या उस पर नजर सानी अगला स्पीकर कर सकता है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के मेहमान आज के प्रोग्राम निसार चीमा साहब मौजूद हैं, मुस्लिम नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब खुशामदीद। तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सर। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, कोशिश करेंगे मुस्लिम काफ का मौकफ जरूर आ जाए प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर निसार चमा साहब, ये पंजाब में क्या हुआ है? ये बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल हो गई और फिर इंतखाब तो हो गया है, लेकिन क्या वजीर आला बरकरार रह पाएंगे हमजा शहबाज? देखिए, गुजारिश यह है कि यह बड़ा ही अफसोसनाक हुआ, ये अखलाकी कदरों की भी पामाली है, पार्लिमानी रवायात की भी पामाली है, आइन और कानून की भी पामाली। बात यह है कि जब भी वही कुछ हुआ जिसका दर्स इमरान खान साहब देते रहे, 126 दिन के धरने के दौरान जिस तरह लाकानूनीत के दर्स उन्होंने दिए, कौम को सिविल नाफरमानी की काल दी, गैस और बिजली के बिल जलाए, हंडी के जरिए पैसे भेजने पर उकसाया, पुलिस पर हमले किए, पीटीपी पर हमले किए, पीटीपी पर कब्जा भी किया। देखें, बात यह है कि वही, और ये जिस तरह की गालम ग्लोच का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बदजुबानी और बदकलामी का कल्चर इंट्रोड्यूस किया, वही आज मुजाहरे हमने वहाँ देखे। फिर ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने जिस तरह ये शो किया कि वो अगरचे स्पोर्ट्समैन हैं रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा वो लैक करते हैं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यानी जब वो देखने लगे कि मैं हार रहा हूँ, मेरे अपने लोग छोड़ गए हैं, तो फिर यह है कि उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। देखिए, उसके बाद यह कि जिस तरह के कुछ हथकंडों पे उतर आए, आपको याद है मरकज में अपने इक्तदार से जिस तरह चिमटे रहने की उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की, जो फराख दिली या स्पोर्ट्समैनशिप की जरूरत होती है ऐसे मौके पे कौमी कायदीन से बदकिस्मती से बदइंतजामी और नालायकी तो अपनी गलती, लेकिन उसकी पासदारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो 20 दिन से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को एक होटल में बंद करके रखा हुआ था और आप इतना भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने घरों को चले जाएं आ जाए, तो क्या ये जमहूरी रिवायात है? मेरी नहीं नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर हमने किसी को वाकई बंद करके जबरदस्ती बंद करके रखा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर ये है कि लोग खुद इनको इस अपनी बदनाम हुकूमत जो थी, ये देखें ये जो इन्होंने 3.5 साल में अवाम के साथ किया है, यानी महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, लोगों को पता है जिन्होंने अवाम के पास जाना है कि अगले इलेक्शन में ये है कि बल्ले का निशान तो एक इबरत और शिकस्त का सिम्बल होगा, तो ये है कि वो जो रसवाई का सिम्बल होगा, कोई सेन शख्स, कोई बाशऊर बाजमीर शख्स जो है इस बदनाम हुकूमत का ये एक साथी बनकर रहने के लिए अब तैयार नहीं है। तो बात यह है कि ये उनके इत्तेहादी भी इस वजह से उनको छोड़ते गए और इनके अपने जो साथी थे वो भी इसी वजह से इनसे अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। वो लोग चले गए कि जो कुछ इन्होंने किया जो पंजाब असेंबली में हुआ है वो उसी की रिफ्लेक्शन है कि जब देखें, जब यह है कि उन्होंने काफ लीग ने और पीटीआई ने मिलकर देखा कि हमारे साथ अक्सरियत नहीं है,
تو فراخ دلی اور سپورٹس مین اسپرٹ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کرتے، اور یا یہ کہ کم از کم ڈپٹی اسپیکر کو یہ ہے کہ جمہوری انداز میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کی کا موقع فراہم کیا جاتا. لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ ڈپٹی اسپیکر پہ حملہ آور ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر پہ تشدد کیا. یہ کہ جو آپ کے سامنے ہے، ویڈیوز موجود ہیں، کس قدر ظلم ہے، کس قدر زیادتی ہے. صحیح ہے. نہیں لیکن ویسے ایک اور چیز بھی ہے نا چیمہ صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اسپیکر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ بند ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ پیچھے کے ووٹ لے کر اسپیکر بنے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف، چلیں چیمہ صاحب کی لائن میں رکھا، دوبارہ ملا لیں. میں تالپور صاحب کے پاس آتا ہوں. تالپور صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی معاونت سے، آپ کے تعاون سے، آپ کے ووٹوں سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن تو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے ووٹوں کا بھی استعمال کیا ہے. کیسے برقرار رہیں گے جب ڈیفیکشن کلاز ایکٹیویٹ ہوگی اور منحرف اراکین جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو یہ کہانی کیسے آگے چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہانی جہاں پر آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت آگے جانی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت جلد بہت جلد عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں رہے گا. یہ پارٹی ان سے، جو ان کے ناراض اراکین ہیں، پارٹی عہدیداران ہیں، وہ ان سے یہ چیئرمین شپ ہی بہت جلد چھیننے والے ہیں. اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی ڈیفیکشن کلاز کی، تو اس میں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے. اگر وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبرس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا کر اور ووٹ دیں کاف لیگ کو، تو پھر کاف لیگ کو ووٹ دینے یا نون لیگ کو ووٹ دینے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. جب تک یہ فیصلے ہوں گے تب تک عمران خان اس پارٹی کا چیئرمین رہے گا ہی نہیں. تارک صاحب، یہ آپ کی توقع ہے شاید کہ وہ ایسا ہو، لیکن دوسرے معاملہ یہ کہ ان کے ایک اشارے پر 125 ارکان نے استعفے پیش کر دیے، تو یہ تو پھر ابھی ان کو، جو ناراض ہیں ان کے ارکان، ان کو ابھی کہہ دینا چاہیے تھا نہیں ہم آپ کے کہنے پر استعفے پیش نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کی یا پروونشل اسمبلی کی؟ جی میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. نیشنل اسمبلی میں جو ابھی جن لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، ان سب کو اسپیکر نیشنل اسمبلی واپس بلائے گا. اور آپ آج اسلام بھائی میرے ورڈز مارک کر لیں اور یہ ریکارڈنگ اپنے جو ہے سیو کر لیجئے گا. ان میں سے بہت بڑا لوگوں کا جو جمگٹھا ہے ایم این ایس کا، وہ عمران خان سے ابھی ہی علیحدگی لے لے گا، اور وہ کہے گا کہ ان کو زبردستی ان سے یہ استعفے لیے گئے ہیں، اور وہ واپس یہ استعفوں کو لے کے اور آ کے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کو سپورٹ کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ دو تین چیزیں ذرا پنجاب کی پہلے بات کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر میں ذرا نیشنل اسمبلی کی طرف آتا ہوں. اظہر صدیق صاحب، یہ بتائیں کہ دو چیزیں، ایک تو اب یہ ڈیفیکشن کلاز کس طرح سے ایکٹیو ہوگی منحرف اراکین کے حوالے سے پنجاب میں، دوسرا آج جو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اسمبلی کے اندر آ گئے ہیں، مگر کیا یہ ڈپٹی اسپیکر کا اختیار نہیں ہو سکتا ہوتا کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے پولیس کو بلا سکتا ہے اور ان کو اختیارات دے سکتا ہے سارجنٹ کے جو کہ اندر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں پارلیمان میں جو روایات ہیں اسی پہ رہوں گا. تاریخ جو ہے نا مس کر کے رکھ دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو اس جمہوری روایات کو پروٹیکشن کے لیے نا جو چاہتے تھے کہ جناب ڈیفیکشن نہ اپلائی ہو. یہ ریکارڈ کی بات ہے، اٹھا کر دیکھ لیجیے گا ہسٹری. محتمد نظیر بٹو کی جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، نواز شریف کی اسمبلی، جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنے دینی، یہ ریکارڈ کی بات کی چیزیں ہیں. انہیں کیا پتا ہے ابھی جب انسان اقتدار کی بھوک میں بھاگ رہا ہو نا تو اسے اس طرح کی چیزیں کیا. اب میرٹ کی باتیں مت کیا کریں، خدا رہا یہ تو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے حوالے سے ہیں. ذرا ہم یہ جو بات ابھی کر رہے تھے جو نثار صاحب، ذرا لے چلیں نا وہاں پر کہ پارلیمانی جمہوریت کو انہوں نے سوورینٹی کو انہوں نے خود پھینک دیا ہے. پہلے سپریم کورٹ میں گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے معاملے لاہور ہائی کورٹ میں لے کے گئے پنجاب اسمبلی کے، پھر ڈپٹی اسپیکر کا اسلام آباد کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر گئے. پہلی بات تو یہ کر دی انہوں نے خود پارلیمانی سپریمیسی انہوں نے مٹی میں نیچے پھینک دی ہے. اور یہ تاریخ یاد رکھی جائے گی، کل آ کے جب ان کے ساتھ ہوگا تو یہ چیخے مارتے نکل آئیں گے. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. چھوڑے نہیں، لیکن حضرت صدیق صاحب، اب اسپیکر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لے لے تو پھر ظاہر ہے وہ عدالت کے رخ کریں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ میں بڑا سمپل سارس کروں، کیا ہونا چاہیے تھا، وہ اسی کے اندر رولز کے اندر پروویژن دی ہوئی ہے. پہلی تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر آج ہوا ہے، نہ صرف وہ توہین عدالت ہے بلکہ ڈپٹی اسپیکر کے اگینسٹ فوجداری مقدمات بنتے ہیں.
कि उन्होंने इंस्टिगेट किया, उन्होंने हालात अपनी मिसाल के तौर पर, वो रूल्स तो पढ़ते नहीं, उन्हें शायद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का पता नहीं है, इस्तेहकाक क्या है। जिन्होंने आज आकर असेंबली के अंदर हमला किया ना, इन सबके ऊपर पर्चा दर्ज होगा और इन सबको सजाएं दी जा सकती हैं, जो मर्जी आप कह लें। यानी वजह क्या है कि आप लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी अगर पार्लियामेंट, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मौजूद था, वो पार्लियामेंट के बाहर की लॉ एंड ऑर्डर रखना था। अंदर ऐसा क्या हो गया, अंदर या बम लग गए थे, इतने बंदे आगे यहाँ को लाठियां मार रहे थे, खुदारा यार मजाक बना लिया इन लोगों ने। इन्होंने जो गुंडागर्दी की इंतहा कर दी है, जो सीजनल माफिया या गॉड फादर के हवाले से आप देखे, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मिस हैंडल किया है, आपने देखा नहीं कि वो तो खूनो खून हो गए थे डिप्टी स्पीकर, वो तो जनाब डिप्टी स्पीकर के कपड़े फट गए थे। मगर आदर सदीक साहब ये बताएं ना कि अगर आज वज़ीर आला का इंतखाब होना हो और जिस जमात के पास अक्सरियत नहीं है वो इंतखाब ही ना होने दे रही हो तो फिर क्या होगा, कोई तो हल है ना इसका। देखिए मैं अर्ज करूं, स्पीकर के ये जो इजलास का डिकोरम है ना, ये डिप्टी स्पीकर ने उनको जल्दी किया थी कि मैंने आधे घंटे में करना है, पूरा दिन उनके पास पड़ा हुआ था, वो कुछ अरसे के लिए बाकायदा इसको अर्जन करते, आपस में गुफ्तगू शनीद होती, किसने कह दिया। यानी वो तो कल का बच्चा है, मैं तो हैरान हूँ कि उसको, और मैं हाईकोर्ट में मौजूद था, उसको तो खुद बोलना आता नहीं था। जो इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा ग्रुप के वोकला, यानी मैं तो कोर्ट के अंदर मौजूद था, वो बाकायदा जो कुछ उन्हें पढ़ा के दे रहे थे, आज वो एप्लीकेशन लिख के दिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अपने हाथ की नहीं लिखी हुई, जरा उनसे पढ़ा के देख लीजिएगा, वो जो उनको लिखा आ रहा था, वो जो स्क्रिप्ट लिखा आ रहा था, वो स्क्रिप्ट उसके मुताबिक लेकर चल रहे थे। बहुत दुखे बच्चे, यानी ऐसे बच्चों को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर दे दे कि जिनको पार्लियामेंट्री रवायत का पता नहीं, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, जिनको हाउस ऑर्डर करना नहीं आता, क्या मुश्किल काम था ये सारे उनके कमेटी बनाते, बिठा के गुफ्तगू शरीद करते। लेकिन वजह क्या थी कि उनका ऑलरेडी माइंड ये था, ऐसे हालात पैदा करने थे उन्होंने, और ये उनका अपना नुकसान है। मैंने जैसे पर्चे का कह दिया है, मैंने उसके अलावा जो स्पीकर जो परवेज लाई साहब ने बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है, जो प्रिविलेज वायलेट की है ना, उन्होंने रूल्स पढ़े नहीं है, आर्टिकल 66 नहीं पढ़ा है, आर्टिकल 6 से पढ़े, देखिए प्रिविलेजेस हैं आपके पार्लियामेंट के, प्रिविलेजेस हैं उनके, इस्तेहकाक हैं उनके, इस्तेहकाक जिस तरह मजरूह किया ना, फौजदारी मुकदमा तो है ही है, लेकिन उसके हवाले से बाकायदा सजा है। और जो आप जो याद रखिएगा, आईजी भी और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सबको सजाएं दी जा सकती है। मैं आता हूँ अब आर्टिकल 63 के तहत। अच्छा, आपको याद होगा हमजा शरीफ ने वो पता फ्लैटीज के वजीर आला बने थे ना, तो फ्लैटीज के अंदर ये सारे चेहरे दे दिए थे और वहां पर ये दोस्त मजारी सब मौजूद थे, तो दोस्त मजारी किसने कहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये तो बायस थे, ये तो उनका टारगेटेड एजेंडा था। और जिस तरह उन्होंने आज हाउस चलाया ना, उन्होंने साबित किया है कि वो बेहतरीन मुलाजम है, उनको गालिबन को अच्छा एक अवार्ड मिलना चाहिए, ये उनके पास की बात नहीं है। क्या उन्होंने क्या किया सुने जरा, बाकायदा पार्टी चेयरमैन ने डेक्लेरेशन दे दी थी, पार्टी जो मुनारा वारा की ना, उनको डेक्लेरेशन दे दी थी। डेक्लेरेशन क्या दे दी थी कि वो जनाब बकायदा डिफेक्शन कर चुके हैं। उन्होंने आज हाउस के अंदर बताई, उन्होंने बकायदा दो दिन के अंदर ये भिजवानी थी इलेक्शन कमीशन को, भिजवाई उन्होंने, नहीं भिजवाई। और वोट देखें यहाँ अपान, ये इलेक्शन टोटल का टोटल इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है फॉर थ्री रीजंस। नंबर वन, कि ये जो डिफेक्शन के हवाले से मामले थे, वोट डाल देते लेकिन वोट काउंट नहीं करने थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और दूसरी अनकॉन्स्टिट्यूट कैसे, कि उन्होंने ये रेफरेंस गलत या सही था, उन्होंने भिजवाया नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं भिजवाया। तीसरी बात यह है कि जब हाउस के अंदर जो उन्होंने इस तरह के लोगों को बुला लिया, ये इलेक्शन फेयर नहीं कहलाएंगे, कि आपने पुलिस को बुला लिया, सब लोगों को अंदर बुला लिया और जो कुछ मार कुटाई आपने की, ये पार्लियामानी रवायत की, प्रिविलेज की आपने वायलेशन की। और चौथी बात आ जाए, आपने आर्टिकल 63A के हवाले से कहा, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, वो क्या सवाल है, 63A के तहत अब दो दिन के अंदर अंदर डिफेक्शन उन्होंने कर दी है, यानी ये कहा जाए जरा PMLQ को, अभी आपने तो PMLN के आपको दे दिया है, वो तो दे ही नहीं सकते थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेक्शन हो गई, दो दिन 30 दिन के अंदर अंदर ये बाकायदा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, जब ये 20 लोग निकल जाएंगे, 197 से 20 निकाल दें तो 170 रह गए, 186 कैसे मेंटेन रख सकेंगे आप? आपको चलें इस सवाल का जवाब चीमा साहब से भी लेते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग आपने फंड देने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपने खुद बैठ और अगर इस मामले को लटकाया जाए तो दोबारा फिर अदालत की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान तरीके से फिर अदालत के पास जाएगी कि हमने डिफेक्शन के लिए जो है वो सिफारिश की है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, निसार चीमा साहब से इस पर राय लेते हैं और फिर जरा कराची में जो इंसाफ का जलसा है उस पर देखते हैं कि कितना क्या अहदाफ जो है वो इस जलसे से पाकिस्तान तरीके इंसाफ हासिल करना चाहती है और क्या कर पाएगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। काफली का मौकिफ हम इस पर ज़रूर लेंगे, मगर पहले एक सवाल जो है वो मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि
अब ये जो मैंने पहले भी सवाल किया था आपकी तरफ से जवाब का मैं मुंतजर हूँ कि क्या होगा अगर हमजा साहब जो हैं वो अपना नंबर बरकरार ना रख पाए, जब डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ, तो फिर ये हाउस कैसे आगे चलेगा? और दूसरा है कि क्या आप इसको फेयर समझते हैं कि एक ऐसा डिप्टी स्पीकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी भी एक पार्टी के वोटों से मुंतखब हुआ और फिर उसने मुखालिफ पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और वो एक गैर जानबदार नहीं रहा वाज तौर पर, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक अनफेयर नहीं है एक चीज? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए, डिप्टी स्पीकर ने तो इलेक्शन करवाया है अदालत के हुक्म के मुताबिक, और अदालत के हुक्म की तामील जो थी वो उसका फर्ज था, और जो जो माहौल को ख़राब किया है, माहौल को मुकद्दर पर आगंदा किया है, वो किसने किया है? सबके सामने है कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर किसने हमला किया है, डिप्टी स्पीकर के साथ के ऊपर किसने तशद्दुद किया है, किसने उसको यह है कि इलेक्शन करवाने से रोका है, किसने उसको मजबूर किया है वो अपनी सीट छोड़ के निकल जाए अपनी जान बचाकर? ये क्या तरीका है? ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या गैर कानूनी हरकतें नहीं है? माहौल इसी से खराब हुआ है ना, उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? बात यह है कि ये जो है इसको देखें, ये मैं फिर कहूंगा कि ना सिर्फ पार्लिमानी रवायात की पामाली है बल्कि अखलाकी कदरों की भी बुरी तरह उनकी तोहीन और पामाली है। तो इसको, इस सिलसिले को रोकना चाहिए। जो कुछ ये है कि नेशनल असेंबली में होता रहा, वही ये है कि उसको उसकी रिफ्लेक्शन थी, ये पंजाब असेंबली में भी वही कुछ हुआ कि जब आपने अक्सरियत के एतमाद से आप महरूम हो गए, तो बजाय इसके कि आप फराख दिली का और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके आप खुद इस्तीफा दे घर चले जाएं, आप ये है कि वो छेद कंडों पर आ गए। ये देखें क्या तरीका है। बात यह है कि ये जो आपने डिफेक्शन क्लाज की बात की, इसके बारे में जाहिर है कि जो अदालत फैसला करेगी हमें कबूल होगा। अदालत क्या मतलब आप ये क्या कानून में 63 ये पहले से मौजूद नहीं है कि अगर आपने अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ वोट कास्ट कर दिया है तो डिफेक्शन क्लॉज आपके ऊपर लगेगी? नहीं 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 नहीं, मुझे ये फरमाए, मैं फिर ये कहूंगा कि देखें, ये कि इसका फैसला जो है ना मैंने करना है ना आपने करना है, जो भी कानून की आइन की तशरी है वो बिलाखिर अदालत ही करनी है। आर्टिकल 63 क्या है करेगी? इस बात में तो तशरी की गुंजाइश ही नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। तशरी की गुंजाइश तो इस बात पर है कि वोट डालने से पहले डिफेक्शन लग सकती है या नहीं, या उनका वोट काउंट हो सकता है या नहीं। यही दरखास्त लेकर जो है वो अदालत में 63A का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, लेकिन इस बात पर तो बहस अपोजिशन के यहाँ भी मौजूद नहीं है कि एक वोट डालने के बाद डिफेक्शन क्लॉज पर नहीं लग सकती। नहीं नहीं नहीं, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं देखे, मैं तो कह रहा हूँ कि जी इसका आइन की आइन में जो कुछ दर्ज है उसके ऊपर आप ये है कि यानी आप मुनसिफ तो नहीं ना हो सकते, जज नहीं बने, आप जज का रोल नहीं अज्यूम कर सकते। वो मामला फिर कोर्ट में ही जाना है, फैसला कोर्ट ने करना है कि इस आइन किस चेक के तहत ये जो है ये रुकन जो है वो असेंबली का रुकन रह सकता है या नहीं रह सकता। हर चीज अगर कोर्ट नहीं करनी है तो जो अदालत फैसला करेगी सही है, चले कि वो उसको। तैमूर साहब, ये 63A का जो मामला है इसमें तो जब बहस यही हो रही थी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी जमात के वकला भी हैं वो भी ये कह रहे थे कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा तब तक डिफेक्शन नहीं हो सकती। अब वोट जब डल गया तो फिर तो जाहिर है वो डिफेक्शन हो जाएगी। देखिए जी, जहां तक आप एक अवामी राय लेंगे तो मैं समझता हूं जो लोग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में या प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब में जिन लोगों ने डिफेक्शन दी है वो इस कौम के हीरो हैं। उन्होंने एक चोर जाबिर शख्स से इस मुल्क की जान छुड़ाई है, तो जिस तरह से हम उनकी इज्जत करें, आई एम श्योर कोर्ट्स भी ये चीज जरूर देखेंगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अपने मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है। दूसरी बात मैं जरा क्लियर करता चलिए, बार बार जो इल्जाम लग रहा है जो आज हालात है वो कैसे पैदा हुए, आपको याद है तैमूर साहब, अदालतें जो है वो आइन को देखती है, वो कारनामे नहीं देखती। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, इंशाल्लाह ताला इनको कुछ भी नहीं होगा, ये यहीं पर कायम दायम रहेंगे। और चाहे आपकी जहां तक वफाकी हुकूमत की बात है, वहां पर तो हमने वोट ही नहीं लिए, जो इनके लोग पीटीआई के एमएलए हमें वोट देना चाहिए, हमने तो उनके कहने के बावजूद उनके वोट नहीं लिए, हमने फिर भी जो है अपना रिक्वायर्ड जो नंबर था ज्यादा बड़ा फिगर दे दिया। तो यहाँ पर भी पंजाब में कुछ नहीं होने वाला, इनकी गेम ओवर हो गई है। ये जो यहाँ पे जो एक नया कल्चर लाए हैं, गालम गलोज जूते खाना मारना, ये सब का टाइम अब पूरा हो गया है। और मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, पहले इन लोगों ने वर्कर्स से हम लोगों को पिटवाया, फिर इनके वर्कर्स ने मार खाई,
फिर इनके MNS MPS ने बदतमीजी की, उनने मार खाई, आज इनके स्पीकर ने मार खाई है, कल इमरान खान फिर से मार खाएगा। एक बार तो काले चश्मे पहन के खान साहब आए थे, पता नहीं लास्ट दिन में बनीगाला में किसने वो हाथम बाथम मार दिए थे, को काले चश्मे दिन में पहनने पड़ गए थे। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाए, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं समझता हूँ आज अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हयात होते और देख रहे तो शायद क्या ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और किस किस्म का इसके पार्लियामान में आपने मजाक बना दिया है। महमूद ठाकुर साहब, ये सब बातें, बाल खींचेंगे इन सब चीजों के साथ साथ जो आज जलसा हो रहा है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या आप उसको एक बड़ा जलसा नहीं समझते? आप नहीं समझते कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान की कॉल को रिस्पॉन्ड किया है और वो उनके साथ एकजहती के लिए खड़े हुए हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, और कराची की जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है क्या है। तो अगर यहाँ पे चंद हजार लोग आ जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने अभी देखा है जितने लोग उस जलसे में खड़े हुए थे उससे ज्यादा लोग तो मैंने मुस्तफा कमाल, जो कि ना कि उसकी सीट कोई एमपीए की है ना एमएलए की, उससे ज्यादा लोग तो मुस्तफा कमाल कराची में जमा कर लेते। और सिंध हुकूमत ने इनकी मदद की है, हमने इनको प्रोटेक्शन दिए, हमने इनको सिक्योरिटी दी है, हमने इनके रास्ते इनको क्लियर करके दिए, जबकि जितने लोग ला सके ला के दिखा दे। अवामी नुमाइंदे तो इनको छोड़ गए, ये अवाम भी इनसे तंग आई हुई। अज़हर सिद्दीक साहब, ये बताएं कि जो आज एक रूलिंग दी है राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, वो कहते हैं कि जी जो कासिम सूरी साहब इस्तीफे मंजूर करके गए हैं वो ज़रा उसको डीसील करके मेरे पास दोबारा लाया जाए, मैं देखूंगा इसको आईनी और कानूनी तरीके से इन इस्तीफ़ों को मंजूर किया गया है या नहीं। अब जाहिर है इम्कान इसी बात का नज़र आ रहा है कि यही कहा जाएगा कि चूँकि फर्दन नहीं दिए, स्पीकर ने इनको बुला के पूछा नहीं है, तो ऐसे में ये इस्तीफे जो हैं वो मंजूर नहीं किए जा सकते और उनको दोबारा से नामंजूर कर दिया जाएगा, इस बात का इम्कान लग रहा है। क्या एक स्पीकर की तरफ से लिए गए फैसले को दूसरा आने वाला जो स्पीकर है उसके ऊपर रूलिंग देकर उसको रोल बैक कर सकता है? ऐसा साहब, मैं एक बात तालपुर साहब को बड़े अदब से अर्ज करना चाहूंगा, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफअप तू अच्छा नहीं होता। आपने नूर आलम, नदीम अफजल चांद और उसके साथ उन बुजुर्ग के साथ क्या हाल देखा आपने, तारीख की बात है। आपने एक मेजर साहब के साथ सड़कों पे क्या हाल देखा, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो यानी क्या समझते हैं आप, बदमाशी हैं? खुदा रहा, ये कौम के साथ आराम से प्यार मोहब्बत से, आज जो फैमिली के अंदर हुआ उसको एक तरफ छोड़ दें। चले मैं पहले इस तरफ आ जाता हूँ। राजा परवेज अशरफ ने आज जो रूलिंग दी है ना, इनके अगेंस्ट डिसक्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी जल्दी शुरू होगी। उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया, ये कैसे कह सकते हैं किसी, यानी मेरा कोई एक MNA आगे कहता कि जनाब मेरा इस्तीफा गलत मंजूर कर लिया है, उसके पास इख्तियार है, अब तो नोटिफाई हो चुका है बकायदा, अब वो नोटिफिकेशन को कैसे वापस आप ले सकते हैं? स्पीकर सेक्रेटरी ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसका मतलब क्या है? आज तो राजा परवेज ने और बड़ी ये काम कर दिया ना, आते ही मोहसिन दावड़ को और अली वजीर को जिस तरह माइक दे दिया। जो बात कर रहे थे ना निसार चीमा साहब भी, तालपुर साहब भी, आइन कानून पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। आर्टिकल 95 के अंदर 28 तारीख को लीव मिलती है और 3 तारीख वाले दिन ये बकायदा एक्सपायर होनी थी और ये डेट आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि काउच जुगे नेगेटिव लैंग्वेज में, ये 3 तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, या सुप्रीम कोर्ट स्टे देती तो रोक सकती थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम बड़े क्लियर हैं, ये वेट हो चुकी है, ये हम रिव्यू के अंदर पॉइंट लेकर आ रहे हैं, ये अबेट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को फैसला दिया, उन्होंने कहा आप 3 को वापिस चले जाए, ये डरे क्यों हुए थे? 12 बजे से आगे टाइम जाने देते ना, तो 12 बजे से क्यों आगे ही जाने नहीं दे रहे थे? ये बात समझने वाली बात है कि वो टाइम वहां पर अबेट हो चुका था, खत्म हो चुका था, और ये बड़ा लीगल और लॉजिकल सवाल है। दूसरी जहां तक बात है, नहीं मगर फिर आप आज़ा सिद्दीक साहब, आपने एक जो है वो आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इसके लिए, और आपने तो एक रिव्यू पिटीशन भी तैयार की थी, वो रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकी थी? देखिए मैं एक बात बताऊं, आपको पता है इनके पास सुप्रीम कोर्ट बार रेजोल्यूशन है, बार काउंसिल है, इनके सेनेटर बहुत तेज हैं, जाके चीफ जस्टिस तक इनकी अप्रोच भी है, रात 12 बजे जो कोर्ट बैठा लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं ना बैठा सकते। अब जो कुछ हुआ है, कोई एक सुमोटो आपने देखा, कोई आपने ऐसा मामला देखा, ये रिव्यू 12:30 बजे जो है ना, 12:30 बजे के करीब अपना कोर्ट के दफ्तर बंद हो गए थे। अब AOR वगैरह अगर गए हैं 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद तो कोई एंटरटेन करने वाला था नहीं, दफ्तर में था ही कोई नहीं। वो अलहदा बात है कि रजिस्ट्रार के घरों में हमारी अप्रोच तो है नहीं ना, तो अपना आप खुद सोचें कि उस दिन 12:00 बजे के करीब, 12 बजे तक तो कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट 12 बजे आके बैठ गए, किसने बिठाया उनको 12 बजे?
अपना जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है वो घर पहुंच गया किसी के, अच्छा यही छोड़े इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी आके बैठ गई, अच्छा इसको छोड़े इलेक्शन कमीशन भी आके, ये कंटेम्प्ट होगी, कंटेम्प्ट आपको तो कोर्ट अटेंड करते रहते हैं, कंटेम्प्ट होगी, नोटिस होगा, शो काज होगा, शहादत होगी, फिर सजा होनी है ना, डिस्क्वालिफिकेशन भी तब है जब सजा हो जाए। यूसुफ जा गिलानी का केस आप लोगों के सामने मौजूद है, यानी किस तरह का आपने प्रेशर देना शुरू किया और उसका उसका नेगेटिव क्या गया, आपने अदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की है और ये खलीज खत्म होनी चाहिए, यानी आपने बिल्कुल सही है। चले मैं एक चीज जो है वो डॉक्टर निसाब चीमा साहब से पूछ के फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ, इसी पर पहले डॉक्टर साहब आपकी वैसे राय क्या है कि क्या एक स्पीकर का की तरफ से मंजूर किए गए इस्तीफों पर दूसरा आने वाला स्पीकर रूलिंग दे सकता है कि जी वो मंजूर करके गए मगर मैं इसको नामंजूर करता हूँ, ये मुमकिन है? देखिए कि हर इंसान से गलती हो सकती है, जब ये क्लियर कट इसमें वाजे रूल्स रेगुलेशन ये हैं, उसका असल जो है वो कानूनी पोजीशन ये है कि जिसने इस्तीफा देना है वो अपने हाथ से लिखे और उसकी फिर पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो होनी जरूरी है, और उसके लिए जाहिर है कि वो उसने जाके स्पीकर के सामने पेश होके तो उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन भी हो और उसके हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा हो, ये ना हो कि तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं की थी स्पीकर ने, कासिम सूरी साहब ने पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं की थी, नहीं वो तो दूसरी स्टेज है, पहले तो जो है कि क्या सबके मेंबर्स के हाथ के लिखे हुए इस्तीफे आए हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक ही एक इकट्ठा एक इज्तिमाई इस्तीफा है जिसकी कानून की नजर में कोई आप अजम्पशन पे बात कर रहे हैं ना, आप अगेन अजम्पशन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कासिम सूरी साहब ने इसकी तस्दीक की हो, मैं एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बता रहा हूं ना, हो सकता है कासिम सूरी साहब ने तस्दीक की हो कि हर शख्स ने अपने हाथ से लिखा, फिर हुजूर उनसे भाई आप देखें आप बिलावजा आप उनके वकील बने हुए हैं, वो कब उन्होंने कहा है, वो तो ये इस्तेमाई इस्तीफे दिए गए हैं, ये कि कोई इनफरादी तौर पर इस्तीफे नहीं दिए गए, यानी ये क्यों अजम्पशन कर बैठे हैं, ये कहां से आई है, बताएं कि वापस ले सकता है या नहीं, ये जवाब दे सिर्फ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कानूनी पोजीशन ही ये है, देखे आप तो हजूर बड़े अहम कानूनदान हैं, मुमताज कानूनदान हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि हर मेंबर को अपने हाथ से लिखकर इस्तीफा देना चाहिए जिसकी पर्सनल वेरिफिकेशन स्पीकर ने करनी होती है, बस ये दो पॉइंट्स हैं। आपके पास कोई सबूत है अगर नहीं हुआ पूरी साहब के स्कैम मैंने आके कहा हो कि मैंने 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 इस्तीफा खुद नहीं दिया, मैं जाके पेश नहीं हुआ जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस, तो अगर किसी ने खुद कहा कि ना कि मैंने नहीं किया फिर तो बात बनती है, स्पीकर के पास इख्तियार कहां से आ गया कि सारे का सारा प्रोसेस सेटिस्फाइड कर दे? नहीं नहीं हुजूर, जब ये है कि जब इस्तीफे दिए गए तो उस वक्त भी इज्तमाही इस्तीफे दिए गए हैं, ये तो सबको पता है, पूरे हाउस को पता है कि कोई अलग अलग इनफरादी तौर पर लिख के नहीं दिए गए जी, चलें ये सही है, ये सब आप कह रहे हैं ये सबको पता है, तो अगेन चलें ये तो स्पीकर के पास अब जाएगा मामला और अगर वो इसको रोल बैक करते हैं तो हो सकता है कि फिर तहरीक इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चली जाए कि स्पीकर की जैसे कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सेट असाइड किया गया इस तरह से ये रूलिंग भी जो है वो इसको भी देखा जाए, तो ये तो आगे के मामला जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ से लेकर इस्तीफा लाएं और ये राजा परवेज आसिफ साहब जो स्पीकर हैं उनके पास आके और तस्दीक कर दे कि ये मेरा लिखा हुआ इस्तीफा है और इसको मंजूर किया जाए, दैट्स ऑल। चलें मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा देखते हैं कि पीपल और एमक्यूएम क्यों रिलक्टेंट हैं काबीना का हिस्सा बनने पर, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं, आज आसिफ जरदारी साहब से सवाल हुआ कि वो काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, उन्होंने क्या जवाब दिया जरा सुन लीजिए। मेरा तो ख्याल है कि इस बात की नींद ले रही है, नींद ले रही, हम कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी सारे आईनी अहदे लेकर हुकूमत का बोझ खाली शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना जा रही, महंगाई का बेरोजगारी का कि सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही, बात की है मगर हम चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकोमोडेट। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब आए उनसे भी सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया जरा ये भी सुन लीजिए। ये जागीरदाराना जमहूरियत है, नहीं सर, ये जेन्युइन जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर शराकती शमूलियती जमहूरियत होनी चाहिए, यहाँ पर ख़ानदान नहीं अवाम बैठे होने चाहिए, वो 98% अवाम जो आम पाकिस्तानियों को मसाइल को समझते हैं उनको बैठा होना चाहिए, वो नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूँ। वजारत नहीं जी, वजारत क्यों सर है, वजारत क्यों? इसलिए कि वजारत से बाहर रह के ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता है।
नाराज से दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वजारत भी नहीं, अब मतलब जो आवाम के अगर फायदे की बात नहीं हो रही तो फिर हम क्यों आएंगे, हालांकि उनको यकीन दहानियां कराई गई हैं। ये क्या मामला है डॉक्टर निसार चीमा साहब, ये कितनी तशवीश है पीएमएलएन को इस बात पे कि उनके जो इत्तेहादी हैं जो साथ में आए लेकिन अब वो वजारतें नहीं ले रहे? देखिए, मैं मुझे अब भी पूरी उम्मीद है, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे उम्मीद है कि देखें जिस तरह हमने एक नालायक और जालिम हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए मिलकर जद्दोजहद की है, हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे बड़े यानी कौमी मकासद बड़े आला थे और वो ये थे कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बहाल किया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और इसके लिए मिलकर हमने जद्दोजहद की है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा इत्तेहाद इत्तफाक जो है ये कायम रहेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, और हम इंशाल्लाह मिलकर ये हुकूमत ये कोलिशन गवर्नमेंट है मिलकर ही हार जाएगा। इसमें क्या हार जाएगा अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनको जबरदस्ती वजारते नहीं देते तो इसमें क्या मसला है चीमा साहब? नहीं, हमारी ख्वाहिश यह है कि हम मिलकर यह है कि इज्तमाही तवानाइयां इसमें सर्फ हों, कौम को ये मसाइल की दलदल से निकालें और एक कलेक्टिव विजडम जो है वो ब्रुएकार आए ताकि आवाम को सही मानों में रिलीफ हम दे सकें मिलकर। मिलकर यह है कि हम यह है कि तमाम पार्टियां मिलकर जिस तरह यह है कि इस एक से सजाब से निजात के लिए हमने जदोजहद की है, आगे यह है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए भी हम मिलकर जदोजहद करें। सही है। तैमूर ठाकुर साहब, क्या वजह यह है कि पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बन के अगर डिलीवर करना बहुत मुश्किल है इस मुख्तसर वक्त में, तो कल को जब आपने इलेक्शन में जाना है तो आपको जवाबदेही के अमल से ना गुजरना पड़े, इस वजह से आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे? मैं इसका जवाब देता हूं आपको। पहले एक छोटी सी बात अपने भाई को बता दूं जो अर्ज कर रहे थे, एक चीज समझ लें कि अब पत्थर का जवाब पत्थर से आएगा, आप गाली देंगे तो छितरौल पड़ेगी, ये चीज माइंड मेकअप कर लें। अब आपकी बात पे आते हैं, मतलब ये तो तालू साहब आप सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। अब जिस तरह आज असेंबली में हुआ, आपने उसके बाल की के चपेट लगे तो आपकी भी हाथ टांगे टूटेंगे, इस चीज को जहन में रखें। मैं हम नहीं चाहते थे कल्चर है, पर भी कल्चर ला रहे हैं तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जहां तक बात है हमारी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब जरदारी साहब एक बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट जरदारी किसी चीज पे आते हैं तो बहुत खुल्लम खुल्ले इंसान है, वो दिल में एक और मुंह पे दूसरी बात नहीं रखते। हमारी सिंसियरिटीज नून लीग के साथ है, हमारी सपोर्ट हमारी ताकत दिली तौर पर नून लीग के साथ है, चाहे बलूचिस्तान हो पंजाब हो सिंध हो, हर जगह पर उनके साथ रहेगी। जहां तक बात है वजारतों की लेने की या लेने की, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हाँ, जरदारी साहब को क्योंकि उनके दोस्तों ने मदद की बिला किसी बुक्स के, बिला किसी लालच के, चाहे वो मक्सी साहिबान हो बलूचिस्तान से, चाहे असलम भूतानी साहब हो, चाहे बाकी हमारे दोस्त हो बुक्टी साहब हो, तो इन सब दोस्तों ने, बुखारी साहब, इन सब दोस्तों ने हमारी मदद की है। जरदारी साहब का पहला एम यही है कि उन सबको एडजस्ट किया जाए, और मैं समझता हूँ वो सारे एडजस्ट हो गए तो हम भी हिस्सा ले सकते हैं कैबिनेट में, और मैं समझता हूँ शायद बहुत जल्दी ब्रेक इवन हो जाएगा। जो भी एट स्टेक है, जो नून लीग का एट स्टेक है, वो पाकिस्तान पीपल्स का भी पार्टी का भी एट स्टेक है और रहेगा। मुझे नहीं पता एमक्यूएम की क्या परेशानियां है या कोई इशू है, वो वही बता सकते हैं। एमक्यूएम के साथ कुछ वादे आपने किए थे, बलदियाती इंतखाबात में शायद बलदियाती कानून में तब्दीली लेकर आएंगे, उस पर मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि अच्छा मुझे तो इस तरह की कोई बात मेरे इल्म में नहीं है। ऐसा लगता है कि एमक्यूएम को लगता है शायद कि संजीदा नहीं है पीपल्स पार्टी, जो वादे उसने किए थे उसे पूरा करने के लिए। जो चीजें जो डिस्कस हुई है और जिन पे फाइनलाइजेशन हुआ है वो ड्राफ्ट की सूरत में पड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं उस पर एक एक चीज जो उस ड्राफ्ट में है वो जरदारी साहब की जबान है, वो पूरी करना हमारा सिंध काबीना का सिंध हुकूमत का जिम्मा है, हम पूरे करेंगे। और उसके अलावा भी जो बातचीत हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जरदारी प्रेसिडेंट जरदारी साहब और एमक्यूएम की टॉप लीडरशिप के बीच में है, वो सारे वादों को इंशाल्लाह ताला पूरा किया जाएगा, लेटर एंड स्पिरिट में किया जाएगा और बहुत जल्द किया जाएगा। अजहर सिद्दीक साहब, एक चीज, एक केस का हवाला अक्सर दिया जाता है, मुस्तफा इम्पैक्स केस, जिसमें के मुताबिक कहा जाता है कि अगर वज़ीर आज़म ने कोई भी फैसला करना है तो वो काबीना की मंजूरी से ही कर सकता है और वज़ीर आज़म काबीना की मंजूरी के बगैर कोई भी फैसला नहीं कर सकता या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो क्या इस वक्त कोई कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म की तरफ से जो काबीना की मंजूरी से ज़रूरी थे या उसी से होने चाहिए थे, या फिर कोई फैसले इस वक्त हो ही नहीं रहे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाजे हो गई है कि ये इस मुल्क में जमहूरियत चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, हर कोई चाहता है मैं बदमाशी से गुंडागर्दी से सारे मसाइल हल करूं, तो आईन और कानून तो फिर सवाल ही कोई पैदा नहीं होता कि आईन और कानून का सोचा जाए। मुस्तफा इम्पैक्स केस बड़ा क्लियर है,
अभी बैठकर जितने हो रही हैं, मिसाल के तौर पर मिफ्ता इस्माइल काम कर रहा है, मरियम औरंगजेब किस कैपेसिटी में काम कर रही हैं, अभी तक पोर्टफोलियो ही नहीं इनको मिला, और जितने ये फैसले हो रहे हैं ये सारे मुस्तफा इंपैक्ट केस की ना सिर्फ वायलेशन है बल्कि आईन को तोड़ने के मुतरादफ है। वैसे तो इन्हें कहा जाए तो ये आर्टिकल 6 की बातें शुरू कर देते, आर्टिकल 6 की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आर्टिकल 4 और 5 की बात करूंगा कि एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये देखें जमहूरियत किसका नाम है, जमहूरियत सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है। आप खुल के कहें कि ये गलत हो रहा है, ये आईन तोड़ा है, ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं है, वो बहाने ढूंढे जाते हैं कि जनाब ऐसे। और मैं बता दूं आपको, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत में सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग अपना, और उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, इन्होंने फंड एलोकेट करने हैं बजट से पहले बजट के बाद, फिर यही नहीं है, 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के लगाने हैं, फैसला हो चुका है वो इन्होंने लगाने हैं, फिर नैब को इन्होंने डाइल्यूट करना है, नैब की हद तक इन्होंने केसेस खत्म कराने हैं, FIA की हद तक इन्होंने, इंटीरियर मिनिस्ट्री का फड्डा है वो आपके सामने आ जाएगा अंदाजे, फिर यही बातें लोग नहीं रुकती है। उसके बाद इन्होंने जैसे मैंने कहा है कि जिस तरह बैठकर मोहसिन धाबड़कर अली वजीर को जिस तरह माइक दिए गए, जो बातें की गई, फिर यहाँ लाहौर के अंदर जिन दहाड़े मेजर के साथ तशद्दुद किया गया, ये तो नजारों को अंदाजा होगा ना कि आने वाले दिन में। फिर उसके बाद आगे जो खतरनाक बात है कि केयर टेकर सेट जो आगे लेके आना है वो भी तयशुदा है कि किस तरह लेके आना है, ये सब धांधली के हवाले से अगले इलाके। लेकिन अभी जो बात है ना, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में आना इसलिए नहीं चाहती है कि वो सारा नजरा इनके ऊपर गिर जाना है, ना कि मगर आपका तो अगर ये तजिया है वो तो कहते हैं हम मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं, ठीक है चले राइट चले। मैं इधर नदीम कुरैश साहब मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब असेंबली में। नदीम कुरैश साहब, आज जो कुछ हुआ इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, शायद आपको भी गिरफ्तार किया गया, ये सब क्यों हुआ और ये क्या मंसूबा बंदी की गई थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से पहले? देखिए कतन कोई मंसूबा बंदी नहीं थी, मंसूबा बंदी जिन लोगों ने जो की थी वो कौम ने देखी थी। आपके सामने है आपका मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A, हर चीज की वजाहत करता है, आर्टिकल 95, आर्टिकल 17 मुझे बतौर रुकने असेंबली बाउंड करता है मैंने किस तरह से अपना वोट करना है। वो लोग जो डेमोक्रेसी के बड़े दावेदार हैं, वो लोग जो नारा बुलंद करते थे वोट को इज्जत दो, आज उन्होंने किस तरह से हमारे अराकीन असेंबली के जमीन खरीदे, कितने धरने से उन्होंने पुलिस गर्दी की, किस तरह से उन्होंने प्राइवेट माफियाज को एंटर किया असेंबली में, चूंकि चौधरी परवेज लाई साहब जो बतौर स्पीकर थे उनको हाई कोर्ट ने उनके सारे अख्तियार सलब किए हुए थे, सारे हाउस का कस्टोडियन दोस्त मजारी था। जो कुछ आज हुआ ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामान के लिए एक सियासतरीन दिन था। मैं कतई आपको ये नहीं कहूंगा। नदीम कुरैश साहब, आज तो वोटिंग होना थी ना, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी काफली के लोग भी वोटिंग होने देते और लोटे ना लेकर आते, ना उछाले जाते, ना मारे जाते, ना स्पीकर के बाल खींचे जाते, तो शायद ये कुछ ना होता। देखिए मैं आपको गलत करूं, कतन कुछ नहीं होना था। जब डेप्टी स्पीकर हाउस में दाखिल हुए वो पुलिस के दायरे में थे, पुलिस उनके साथ थी। आप मुझे 74 ईयर की हिस्ट्री में महा सिवाय एक दो वाकयात के जो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुए, जहां सर्जेंट आम से मुफ्ती महमूद साहब को असेंबली से बाहर फेंका गया, उसके अलावा मुझे बता दें आप कभी इस तरह से पुलिस के 1000 जवान किसी असेंबली में दाखिल हुए हो। ये इकतदार में आने का वो जुनून, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा करने का वो इनका शौक, इनकी ये कैफियत के इकतदार से दूरी कभी इनकी प्लेटलेट डाउन कर देती है, कभी इनको बीमार कर देती है। ये जो क्रिमिनल केसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें 20-20 पेशियां लेते हैं कोर्ट से, और आज ये बड़े ताकत के मगर भाई साहब ये बात तो है ना कि आज आपके मुनहरिफ अराकीन के बाद यानी कुछ लोग PMLN में के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, उसके बाद आपका नंबर पूरा नहीं था, परवेज लाई साहब का नंबर पूरा नहीं था। देखिए नंबर उस वक्त पूरा होना था जब प्रॉपर तरीके से वोटिंग होती। एक और क्वेश्चन करता हूँ, आज से 5 रोज पहले इन्होंने फ्लैटीज होटल में एक इलेक्शन करवाया था हमजा शाहबाज ने, वहां इन्होंने 200 वोट्स का दावा किया था, आज इनको उतने वोट क्यों नहीं निकले? दूसरी बात, इनका वो दावा कहाँ गया जो ये कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग डेमोक्रेसी के दुश्मन है? इनका दावा कहाँ गया जो ये कहते थे कि जी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए? जो शख्स जमीर फरोशी करता है, ये जमीर फरोशी किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हूँ और फिर आने के बाद मैं अपने वोट का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल हटकर करूं। ये क्यों पीपल्स पार्टी आइन में 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है जी? क्यों वो कहते हैं जी हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, हमें आइन में 18वीं तरमीम की, वो 18वीं तरमीम के डिफरेंट जो क्लॉज है वो तो मुझे बाउंड करते हैं कि मैं अपनी पार्टी मैनिफेस्टो के मुताबिक वोट करूंगा। और इसके बाद आज इनसे पूछें, क्वेश्चन करें कि ये तमाम लोग तो सिलेक्टेड थे,
ये तो आरोज के इलेक्शन के नतीजे में आए थे ये सब लोग, तो इनको तो मैं क्या फिक्र इस्तेमाल करूँ, मुख्तलिफ जर्नैल के नाम लिया करते थे जिन्होंने पार्ट ऑफ द असेंबली बनाया था, आज अगर इनके सब मिल गए हैं, इनके साथ हाथ कर दिया, इनके साथ हाथ मिला लिया, वो उनके सारे गुनाह माफ हो गए हैं, वो अब दूध के धुले हो गए हैं। जब वो हमारे साथ से 3 माह पहले तक, उस वक्त तक वो आरओएस के नतीजे में आने वाले लोग थे, वो सिलेक्टेड थे, वो चोरी की असेंबली के हिस्सा थे, उन्होंने लोगों के वोट चोरी किए थे, ये मतलब सही है। चलें आप ये बताएं कि आप लाहौर के जलसे की तैयारी कैसी है? देखिए जी, आज आप कराची में देखें और आज पाकिस्तान भर में प्राइम मिनिस्टर की कॉल पर शहर शहर गली गली कूचा कूचा, हमने अब अपना केस अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम की अदालत में रखा है। अदालत जो लगेगी वो अवाम की लगेगी, अवाम बेहतरीन जज है और अब कौम देखेगी। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है, बड़ा अच्छा हो गया, इमरान खान ने मरकज में हर शख्स को बेनकाब कर दिया और आज पंजाब में पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से इन्होंने पुलिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं बाकी दारों का नाम नहीं लेता, ये अलमिया है और जो बीज असदुल्लाह साहब बोए जा रहे हैं। हुकूमत तो अभी तक देखिए तहरीक इंसाफ की है, तो इन लोगों ने कैसे पुलिस को बुला लिया या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया? आप कह रहे हैं कि इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया? देखिए शवाहिद बताते हैं खुदा मौजूद है, खुदा को देखा किसी ने नहीं है। बहुत सारी चीजें आज ऐसी हुई हैं जो मैं तो खुद चश्मदीद गवाह हूँ हर चीज का, मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मरहला है। मैं भी किसी शख्स का बेटा हूँ, चौधरी परवेज ज़रदारी साहब मेरे वालिद की एज के हैं, उनके साथ जिस तरह से आज जुल्म किया गया ये बहुत बुरी रिवायत डाली गई है। सही है, इक्तदार में आने की इस बेपना ख्वाहिश ने और तकबर से भरे हुए इंसानों ने जो ये रीत डाली है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, ये आने वाले दिनों में ये फसल हमें काटनी पड़ेगी। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, अजहर सिद्दीक साहब, तैमूर तालपुर साहब और डॉक्टर निसार चीमा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।